अब भी यही है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। व्हाट्सअप पीपल गाइज, वेलकम टू दीपिका मेवाती व्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं गोल्फ खेलने श्री जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तभी मैं लेके जाता हूँ, वरना तो बच्चे कहीं जाते नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तो हम सब रेडी हो चुके हैं। मैं गाड़ी निकाल दूँ जरा भैया। हमें तो गाइज हम निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं आधे रास्ते पे तो आ गए हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के। बट ना एक्चुअली क्या है, विशाल भाई गए हैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने और हम इधर रुके हुए हैं। तो मैं दीपिका से कह रहा हूँ दो तीन फोटो क्लिक कर दें मेरी। कर रही है फ़ोटो क्लिक, ये ड्रामे कर रही है फ़ोटो क्लिक कर रही है। तो विशाल भाई ने तो मुझे बोला थोड़ी देर वेट कर ले, तो उनका वेट करते हैं हम। ये तुम्हारा इंडिकेट वाले रूट पर हैं, मैं दिखाता हूँ कौन सी। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे कोई रोड साइन भी नहीं लगा हुआ, तो आपको बता दूँगी किधर की साइड है। बट मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा ब्लॉग का सब कुछ डाल दूँगा, बायो डिटेल सब कुछ, क्या है कैसे कहाँ नहीं जाना किधर नहीं जाना, पूरी ज्योग्राफी हिस्ट्री सब कुछ डाल दूँगा और लोकेशन वगैरह सब मेंशन कर दूँगा कहाँ है किधर है किस जगह है, डोंट वरी। तो मिलते हैं, अभी दिखाता हूँ जब विशाल भाई पेट्रोल डलवा के आते। भाई विशाल भाई आ गए, आगे चले गए, अब हम भी चलते हैं उनके साथ ही। चलो चलते हैं, हेलमेट वेलमेट पहन लेते हैं फिर चलते हैं। सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी है। ठीक है चलते हैं। तो हम आ चुके हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये मैं हेलमेट उतारता हूँ, ठीक है हेलमेट पकड़ियो, ओ कैमरा पकड़ियो दो मिनट। तो यहाँ पे तो हम वैसे हम चार ही लोग आए, आने का प्लान तो बहुत सारे लोगों का था, मेरा विशाल भाई अमन जय जी दीपिका हम ना चार को तो कंफर्म था, बट और भी जन आने वाले थे, खुशी दक्ष हो गया, अर्पित भांजा आप जैसा आप सबको पता है वो भी आए थे, बट किसी रीज़न से वो आ नहीं पाए, तो हम चार ही आए हैं अभी। तो दो मिनट पकड़ना चाहिए जी। गोल्फ ड्राइविंग रेंज, तो अंदर करते हैं एंटर। मंदिर आ चुके हैं, तो उधर से आपके राइट में से जाएगी एंट्री, जैसे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पहुँच जाइए विशाल भाई। तो भाई हम आ चुके हैं फाइनली, तो कैसे लग रही है आपको, आपके नखरे हो रहे थे भाई के और जय जी की आना होती रहती है। तो सामने लोग गोल्फ भी खेल रहे हैं, आपको दिखाता हूँ दिख रहा होगा वैसे। चलो ये सब खेल रहे हैं अंदर, तो एंट्री पे तो बहुत भीड़ हो रही है। तो यहाँ का ये स्टोर है, तो यहाँ पे इनका पर्सनल स्टोर है, यहाँ पे सब कुछ आपको एडिडास होम प्लेयर और मार्क ऑफ द प्लेयर के सब कुछ ब्रांडिंग सब कुछ मिल जाएगी, टोटली एक्सेसरीज ऑफ गोल्फ। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सब कुछ क्या क्या है, आपको स्टार्ट करता हूँ। ये आपका गोल्फ बैग है, ये गोल्फ से रिलेटेड एंड स्पोर्ट्स शूज़ है दिख रहा होगा, और ये गोल्फ से रिलेटेड सारी टी शर्ट है। वैसे बेसिकली मुझे गोल्फ के बारे में इतना आइडिया तो नहीं है और ना मैंने कभी खेला, वो तो बस एक मंथ था जो आ गए, शॉर्ट्स और ये कैप्स एक्सेसरीज है द मॉल। एंड लुक एट दिस ग्रिप्स ग्लव्स एंड कैप्स एंड स्वेटर्स, एवरीथिंग इज आर ब्रांडेड हेयर और लग्जरियस्ट
Look at these golf sticks. As you can see that they both are, everything is very precious here. Precious plus luxury. Look, and look at the golf sticks. नीचे तो हमने देख लिया, अब हम जा रहे हैं ऊपर. अब हम आपको बैकग्राउंड दिखाते हैं आपका. ये स्टेयर्स. यहाँ पे तो बहुत भीड़ हो रही है फिलहाल, एक घंटे की वेटिंग है. यहाँ पे कैफेटेरिया भी बना हुआ बहुत अच्छा, तो आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं कैफेटेरिया में. और फिलहाल तो यहाँ पे फूड सर्विंग है, कैपेचिनोस, कॉफीज, बेवरेज, एवरीथिंग इज सो गुड. तो आप लोग आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और बहुत कुछ भी आते हैं इन्जॉय करने के लिए. और भी कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं गोल्फ कोर्ट ही है. वेटिंग एरिया विशाल भाई लगे हुए हैं, आगे वेटिंग एरिया के पास खड़े हुए हैं. वैसे तो नंबर नोट डाउन करा दिया है कि जब हमारी टर्न आएगी तो कॉल कर देंगे, बट संडे के दिन एक्चुअली यहाँ पे बहुत भीड़ होती है. तो आप लोग मोस्टली मैं प्रेफर करूँगा संडे के दिन छोड़ के कोई अनदर डिस्पैच, फॉर एग्जाम्पल लाइक मंडे टू वेडनेसडे और सैटरडे. फाइनली मैंने लाइन में लग के नंबर ले ही लिया, और इस बार की पेमेंट करिए थी फिगर. तो फिर अब बनता है थोड़ा बहुत, तो उसका हम वो करने आ रहे हैं. ये पार्टी ये मेरी मेहनत की वजह से हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए. थैंक यू थैंक यू. पर चलो क्रेडिट लेना ज़रूरी है. ओके, तो अब वेट कर रहे हैं, ला रहे हैं हमारी गोल स्टिक्स, ला रहे हैं वो हमारी गोल स्टिक्स एंड स्मॉल बॉल्स ला रहे हैं. यार ऊपर चलते हैं, ऊपर ज़्यादा बढ़िया, पर ये कह रहे हैं नीचे. इतना खास मुझे लगा नहीं नीचे का, बट ऊपर और भी अच्छा है. अगर आप कहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, बट जब लोग नीचे की कह रहे तो चलो नीचे ही है. सिक्स तो आ रही है, भी एक स्टिक रंडी आनी है. थोड़ा बाहर भी बैठे हुए फोटो सेशन कराएंगे बढ़िया. ये तो बिना बात सही है. मिल रही है और हमने पर्सनल कोच हायर कराया. ए कैटेगरी उसकी ट्रेनिंग की फीस है 2000 पर पर्सन पर आवर के हिसाब से शायद. हाँ उसे वो कोच भी हायर करा है, वो हमें सिखाएगा बताएगा कैसे कैसे करना है सब कुछ. तो इसमें एक बेसिकली क्राइटेरिया ये है 1600 की, यहाँ की बॉल्स की स्लिप कट ऑफ हुई है और 100 पर परसेंट की उसके हिसाब से वो रख कट हुई है. टोटल मतलब कि 2000 आ गए 4000 एवरेज. क्योंकि ज़्यादा बजटली भी नहीं है ना ज़्यादा फ्रेंडली, एवरेज है. आप लोग भी आ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दूँगा और देखना और आना और इन्जॉय करना. ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं मेरे को तो पता नहीं, बस मुझे ये इतना पता है ये डंडा है और इस डंडे से बोल को मार. ये क्या बोला तूने? मुझे तो लगा किसी की सुझा नहीं है. मुझे तो लगा किसी की सुझा नहीं है. सुझा देंगे सुझा ऊपर आज कमाई नहीं, ऊपर नहीं जा रहे हम, नीचे जा रहे हैं. तो ये रही हमारी बकेट्स. विशाल भाई फोन में बिजी है. सर आप लोग पहले ले लो, आप लोग ले लो. ये हमारे कोच है.
हेलो सर से हेलो 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 सर आप लोग दो बाबा इधर आ जाओ आप इधर आ जाओ यस इधर आ जाओ आप लोगों के साथ है यस ओके बोल रखो एक एक बेटे तो दीपिका को बड़ी खुशी हो रही है तो ये रही मेरी स्ट्रिक फिर अरे यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किधर जाऊँ तो जय जी को दे रहा हूँ सबके बॉल्स आ गए एक यहाँ रख दो हमारी बकेट है चार और टाइम बचा है कम और अगर टाइम बचा तो हम नेक्स्ट टाइम खेल जाएंगे हमें बॉल्स नेक्स्ट टाइम मिल जाएंगे हमारी एक बकेट नहीं मिली है यार रुक जा विशु भाई यार भाई को दिखा रहे हैं ये मेरा क्लब है मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ जैसे आप इसको होल्ड किया ना ये मेरा क्लब है कितना जोर पकड़ना है ये इससे ज़्यादा सीधा कर सकते अब मुझे रखो इस द डिस्टेंस नी बैंड वेरी नाइस ओके As you can see that where the ball अरे सीखने के बाद थ्री इधर क्या लाइट एक लाइट अरे वेरी नाइस फाइनली सीखा नहीं अभी तो ट्राई है तुक्का तुक्का ये तुक्का है अब नाउ माय टर्न जैसे कि क्रिकेट खेल रहा हूं दीपिका बोल दे नाउ माय टर्न भाई भूल जाओ ना यार ये लड़ रहे हैं भाई मेरी है लो अब दीपिका स्टन चल दीपिका स्टन छोड़ो जी जी हिट क्रिकेट हो गया ऊपर जो कहीं नहीं ये लोग थोड़े से अनाड़ी हैं तो इन्होंने कोच हायर करा है समझ रहे हो आप समझ रहे हो और अब ये देखो सीख रहे हैं वो ये दीपिका मेवाती कोची को हायर करते हुए वेरी गुड विशाल भाई फाइनली विशाल भाई को मारना आ गया विशाल भाई को मारना आ गया गाइस दिख ही नहीं रही वायलिन आई एम प्राउड ऑफ यू जी यू सागर 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 आ गया ये देखो बोल रही है गाइस बोल रही है बताता प्रैंक अब भी है जल्दी जल्दी
जल्दी सागर जी, 25 पे लग के कौन गई है आप? ये आ गए अमन जी, ये भी प्रैंक था। ओ वाओ, चल चल हर बार ओ वाओ, बैटल हो रही है। फर्स्ट नंबर चाल भाई का, सेकंड मेरा, थर्ड सागर, फोर्थ जीजू, फर्स्ट ताली मत ठोस। अच्छा चलो चलो चल, नहीं बनाए ना, चल सागर रेडी रह, कम ऑन। वाओ ये 25 तक पहुंची सागर, चल कम ऑन रवि, ये तो ठुस लंडूरी है, ये फुस है बिल्कुल ही। ये दीपिका से भी बुरा है। अब आ गए अमन जी, नेक्स्ट टाइम जल्दी। अरे क्या मारा सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सागर की बारी, अरे भाई वाह, सागर 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 सागर, देखो इनसे एक बॉल नहीं मारी जा रही, ये देखो ये देखो, यही है यही है यही है। जीजू की बारी, जीजू जानी चाहिए, ओ जीजू चलो भैया, सागर को नाचता खेलना। गाइस बॉयज गाइस यहाँ गर्मी लग गई। अब हम दिखाएंगे अपने दोनों की पावर। एक मिनट रहने दो सागर भाई, तुम चल नहीं पाएगा। अब मेरे बाइसेप की पावर देखना, वाओ चार रन, कोई फील्डर नहीं, पकड़ो चलो दीपिका, चलो चल। ओ वाओ दीपिका के 4 रन, हट जा पीछे पीछे पीछे, ओ वो इधर, अब ना आई एम बैक, ये का बवासीर बना दिए हो गाइस, गोल्फ खेल लिया मतलब इतना खेला बंद हो गया। अब आएंगे गाइस हम दोबारा नेक्स्ट वीक कभी भी प्लान बना के, और अभी भी हमारी 2 बकेट रह गई थी, हमने 5 बकेट ली थी, अभी रह गई है बकेट, तो नेक्स्ट बार आएंगे तो बकेट पूरी खेलने जाएंगे। तो हमें तो खैर बहुत मजा आया गोल्फ खेलने के बाद, और यहाँ पे क्लोजिंग टाइम है तो 9 बजे की है, 8:30 से क्लोजिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो विशाल भाई कैसा लगा? बहुत बेटर और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, तो मजा मुझे तो पहली बार में ऐसा लगा कि मतलब पता है क्या, जिद करने से अच्छी चीज मिलती है, ये वही है और ये वही लोग हैं। हाँ ना, हाँ ना, हाँ हाँ ना, और मेरे को तो ऐसा लगा कि हम इंडियंस ना कुछ भी कर सकते हैं। हाँ सीख गए एक बारी में तुक्के में, गिल्ली डंडा खिला लो, बैट बॉल खिला लो, कंचे खिला लो, सब चीज उन्होंने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किया है। चलो
तो यहीं से ब्लॉग करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।